आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन इज, 7 गर्ल्स पी क्यू आर एस टी यू एंड वी आर वॉचिंग मूवीज ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, स्टार्टिंग ऑन मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। Q is going to watch the movie on Tuesday. So basically, अभी तक हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? हमसे कहा जा रहा है 7 लड़कियां हैं जो मंडे टू संडे मूवी देखते हैं, ठीक है? हर एक लड़की अलग अलग दिन मूवी देखेगी, ये हमें प्लान के बना है, हमें उसके हिसाब से बताना है कि कौन किस दिन वॉच करेगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे डेज कंसिडर कर लेते हैं, तो ये हो गया मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, सो प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन है, क्यू इज गोइंग टू वॉच मूवी ऑन ट्यूजडे, तो क्यू जो है वो ट्यूजडे को देखेगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, क्योंकि इसका श्योर है। आगे क्या गिवन है, यू इज गोइंग टू वॉच मूवी ऑन एडजस्टेंट डे ऑफ क्यू, तो यानी जिस दिन क्यू देख रहा है उसके एडजस्टेंट डे पे, एडजस्टेंट क्या होगा, उसके सामने, तो उसके सामने हमारा मंडे भी हो सकता है, उसके सामने हमारा वेडनेसडे भी हो सकता है, हमें ये तो नहीं मालूम। तो यानी यू जो है या तो मंडे को आएगा या तो वेडनेसडे को आएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि यू या तो हो सकता है मंडे या तो हो सकता है वेडनेसडे। ओके, आगे हमें क्या गिवन है, देर आर 3 डेज गैप बिटवीन द डेज ऑन विच यू एंड पी आर गोइंग टू वॉच मूवी, तो यू और पी के बीच में 3 दिन का गैप होगा, तो यू और पी के बीच में 3 दिन का गैप होगा। ओके, वी इज गोइंग टू वॉच मूवी जस्ट आफ्टर एस, तो वी जो है एस के जस्ट बाद में जाएगा, तो वी जो है एस के जस्ट बाद में, तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके, आगे क्या गिवन है, देयर आर एज मैनी गर्ल्स वॉचिंग मूवी बिटवीन पी एंड वी सेम एज बिटवीन एस एंड आर, जितने पी और वी के बीच में लोग हैं ना उतने ही एस और आर के बीच में, ठीक है? जितने ही P और V के बीच में लोग हैं उतने ही S और R के बीच में लोग हैं। R is watching movie before S but not just before। R जो है वो S से पहले मूवी वॉच करेगी लेकिन जस्ट उसके पहले करेगी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? R is watching movie before S। ओके, ओके, तो अब हमें यहाँ पर जो गिवन है उसके हिसाब से हमें इस डेटा को फिल करना है। ओके, तो यहाँ पर हमें कोई फिक्स गिवन है क्या? हमें ये गिवन है कि एस जो है वी से पहले ही आएगा और आर भी हमारा एस से पहले आएगा, ठीक है? तो यानी कि एस वी से पहले आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम वी कहाँ कंसिडर कर सकते हैं, हमें ये देखना होगा। तो यू जो है इसके एडजस्टेंट पे आएगा और यू और पी के बीच में 3 लोग होंगे, तो यू हम एक काम करते हैं, इसके एडजस्टेंट सामने यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, यू हमने यहाँ लिया तो 3 लोग ले लेते हैं, 1, 2, 3। ओके, तो P कहाँ जाएगा हमारा, P हमारा यहाँ आ गया। अब P अगर हमारा यहाँ पर है तो P और V में जितने लोग हैं, P और V के बीच में जितने लोग होंगे उतने ही S और R के बीच में होंगे, ये हमें गिवन है। अच्छा, ठीक है, तो अब हम अपना V कहाँ कंसिडर कर सकते हैं, हमें ये देखना है। और हमें ये भी गिवन है कि S V से पहले आएगा, मतलब 2 स्पेसेस चाहिए। अगर हमने V यहाँ लिया, अगर हमने V को यहाँ लिया तो इसके यहाँ तो हम नहीं ले सकते, इससे पहले S नहीं आएगा। यहाँ V लेते हैं तो S यहाँ आएगा, V अगर हमने यहाँ लिया तो S यहाँ आएगा। तो S अगर यहाँ पर है दैट मीन्स हमें एक तो गिवन है S V से पहले आएगा। अब P और V के बीच में यानी कोई भी नहीं होगा, तो हमें बोला गया है जितने लोग P और V के बीच में जितनी लड़कियां होंगी उतनी ही S और R के बीच में होंगी, तो इसके हिसाब से तो कोई भी नहीं होगा, यानी यहाँ पर भी नहीं हो सकता। तो एक ही स्पेस बचता है V के लिए, ये वाला संडे, तो V हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इससे इन दोनों के बीच में एक छना बैठ भी जाएगा और यहाँ पर हमारा P V हो गया, ठीक है? अब V से पहले S भी आ गया। ओके, अब हमें क्या गिवन है कि S से R जो है वो S से पहले आएगा, दैट मीन्स R जो है वो तो इन्हीं दो पोजीशन पे आएगा, तो यानी S को हमने एकदम करेक्टली प्लेस किया है। अब जितने लोग P और V के बीच में है उतने S और R में होंगे, तो S हमारा यहाँ पर है, एक जना होगा, दैट मीन्स R हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, तभी तो इन दोनों के बीच में एक जना बैठेगा,
ओके तो अब यहाँ पर कौन आएगा, बचा हुआ मेंबर, तो कौन बच गया यहाँ पर, टी बच गई, तो दैट मीन्स यहाँ पे कौन आ गया, टी आ गया। तो ये हमारा सिटिंग प्लान अब डन हो गया, हम अपने क्वेश्चंस की ओर प्रोसीड करते हैं। ओके सो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी गर्ल्स आर वॉचिंग मूवी बिटवीन क्यू एंड पी, तो क्यू एंड पी के बीच में कितनी गर्ल्स है हमें ये बताना है। तो क्यू हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर, पी हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में कितनी गर्ल्स है, टू गर्ल्स है। That means option कौन सा करेक्ट हुआ हमारा, that is option one will be the right answer. There are two girls between Q and P. Okay? Thank you. Class 6 to 12 से लेके नीट IIT JEE mains और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।